हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड. स्टूडेंट्स, बिना ज़्यादा बोले, ज़्यादा बातचीत किए हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है, तो आप उसको स्किप मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है? तो इसमें आज मैं आपको राउंडेस्ट जो नंबर्स होते हैं वो आज आपको समझाने वाली हूँ. बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को राउंड फिगर पता करने में, तो बहुत ईजी वे में मैं कोशिश करूँगी आप सबको समझ आ जाए, ठीक है? तो नियरेस्ट 10, 100 and 1000 हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करें क्लास. राउंड राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10. ओके, तो क्वेश्चन में है कि आपको नियरेस्ट 10 नंबर बताना है. अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 23 किसके नियरेस्ट है, यानी 20 के नियरेस्ट है या 30 के, ठीक है? तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं देख लेती हूँ, 23. इसके लिए मैं 72 या से कोई भी नंबर ले सकती हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 23 नंबर लिया है. अब मुझे ये बताना है कि ये नंबर 20 के अराउंड है या 30 के राउंड ऑफ है, ठीक है? तो देखेंगे हम. तो बच्चे, किसी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए. देखिए, नंबर वन, आपको ये ध्यान में रखना है जब नियरेस्ट 10, 100 या 1000 जो नंबर बोला जाता है नियरेस्ट आपको बताने के लिए. जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में है कि नियरेस्ट 10 बताइए. नियरेस्ट 10 यानी 10th प्लेस के पास का नंबर कौन सा होगा, तो आपको जो बोला जाता है उससे पहले वाले नंबर में चेंजेस करने हैं, ठीक है? 10th बोला है तो आपको 1st प्लेस में चेंज करना है, ठीक है, उससे पहले वाला नंबर, ठीक है? और सेकेंड थिंग, आपको ये पता होनी चाहिए जो नंबर आपको चेंज करना है वो उसका पहले वाला नंबर ग्रुप 1 का है या 2. ग्रुप 1 में 1, 2, 3, 4 नंबर्स गिवन है, देखा जाता है, और 2 में 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? देखिए 1, 2, 3, 4 ये ग्रुप 1 है, और सेकंड में है 5, 6, 7, 8, 9, समझ गए? तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए दो चीजें ध्यान रखें. सो लेट्स बिगिन. देखिए 23 मैंने एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर नियरेस्ट 10 मुझे पता करना है कि 23 किसके नियरेस्ट है. तो ये 1's प्लेस है और ये 10's, ठीक है? तो बच्चे, जिसको चेंज करना है ना, तो देखिए ये 1's प्लेस है, ये 10's, तो मुझे 10's प्लेस का नियरेस्ट प्लेस देखना है, वो है 1's. अब इस 1's प्लेस को मुझे चेक करना है ये ग्रुप 1 में आता है या ग्रुप 2 में. तो देखिए 3 कौन से ग्रुप में है, 1 में या 2 में? 1 में. तो 1 में है तो ये नंबर तो बच्चों 0 हो जाएगा, लेकिन 10's प्लेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम इसको 2 ही लिखेंगे, है ना? अब इसी नंबर को मैं आपको ये बताती हूँ. मान लीजिए 23 की जगह मैंने 25 लिया, और यहाँ पर नियरेस्ट 10 चेक करना है, तो 1's प्लेस और 10's, जैसे कि मैंने समझाया था, अगर नियरेस्ट 10 यानी 10's प्लेस के पास वाला नंबर क्या है, 5. अब इस 5 को मुझे चेक करना है ये ग्रुप 1 का है या ग्रुप 2 का. तो 5 हमारा सेकेंड ग्रुप में आ रहा है ना, तो तब हम क्या करेंगे, ये प्लेस 0 हो जाएगा 1's, और 2 की जगह अब हमें 2 नहीं लिखना है. 10's प्लेस में क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसमें हमें ऐड करना है. तो अगर आपको नियरेस्ट 10 23 पूछा जाएगा, तो 20 के नियरेस्ट है, और 25 जो है वो 30 के राउंड ऑफ नंबर है, समझ आए? तो इजीली जैसे हम पूछते हैं कि मान लीजिए 31 ये किसका नियरेस्ट नंबर है, मुझे पता है 1, 2, 3, 4 हमारे 5 से छोटे नंबर है, कम है, तो मैं बोल दूंगी इजीली 20 में आता है, ठीक है, 20 का राउंड ऑफ फिगर है. और अगर मुझे बोला जाए 27 20 के राउंड ऑफ है या 30 के, तो बहुत इजी वे में बता सकती हूँ कि 30 के, क्योंकि मुझे पता है 4 से ऊपर जितने भी नंबर है 5, 6, 7, 8, 9 ये जो है 5 से बड़े हैं, तो हमारा राउंडेस्ट फिगर क्या हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा, समझ आ गया? तो ऐसे हम अगर नियरेस्ट 100 कोई क्वेश्चन चेक देखें, तो तब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें नियरेस्ट 100 चेक करना है. मान लीजिए 2, 6, 1, 3 मैंने एक नंबर ले लिया, 1, 10, 100. तो समझाया मैंने क्या था, नियरेस्ट 100 जिस नंबर का नियरेस्ट बोला है, 100 प्लेस का नियरेस्ट नंबर क्या होता है, 10, है ना? तो देखिए अब हम 6 के नियरेस्ट है 10. अब हमें चेक करना है कि ये जो 10 प्लेस है ये ग्रुप 1 में आता है या ग्रुप 2 में. तो 1 देखिए कौन से ग्रुप में आता है, 1, 2, 3, 4 ये तो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है,
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वंस प्लेस को हम जीरो कर देंगे, ठीक है। टेंस प्लेस पूछा गया है वन, यानी वन हमारे फर्स्ट ग्रुप में ही आया, तो इसको जीरो कर दिया। और चेंजेस हंड्रेड में आएंगे या नहीं आएंगे, नो चेंज, क्योंकि ग्रुप वन में अगर कोई नंबर है तो हम इसको 600 ही लिखेंगे, ठीक है। सेम नंबर मैं आपको बताती हूँ, 673 वंस टेंस हंड्रेड। तो अब हमें चेक करना है 100 के नियरेस्ट क्या है, 7, ठीक है। अब 7 मुझे चेक करना है ये 1 में है या 2 में, तो 7 आपका सेकंड ग्रुप में आता है। 7 की जगह अगर 9 होता तो 9 भी सेकंड ग्रुप में आ रहा है। तो जब सॉल्व करेंगे, वंस प्लेस को जीरो कर देंगे, टेंस प्लेस को, अब मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9 में कोई भी नंबर मैंने क्या लिया था, 5, 6 लिया था ना, या मान लीजिए मैं 8 ले लेती हूँ, कोई भी नंबर मैं आपको लेकर बता रही हूँ, कोई सा भी नंबर आपको लेना है वो 5 से 4 से ऊपर होना चाहिए। तो वंस प्लेस हमने जीरो कर दिया, 8 क्या है टेंस प्लेस, तो ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन चेंजेस 6 में आएंगे या नहीं, आएगा चेंज, क्योंकि जो है 8 सेकेंड ग्रुप का नंबर है, तो हम इसमें प्लस 1 कर देंगे। तो ये 700, यानी 613 600 के राउंड ऑफ फिगर है, और 683 जो है वो 700। समझ आया? तो बहुत इजी वे में आपको ये समझ आ रहा होगा बच्चों, जिसमें चेंज करना है आपको वो नंबर से पहले वाला नंबर देखना है, और फिर आपको चेक करना है ग्रुप वन का नंबर है या टू का। ग्रुप वन मतलब 5 से जो लेस देन नंबर है 1, 2, 3, 4, और जीरो भी, और अगर उसके ऊपर है 5, 6, 7, 8, 9, तो आपको जिसमें आप जो नियरेस्ट फिगर है उसमें आपको प्लस 1 कर देना है, ठीक है। तो ऐसे हम 1000 का भी देखते हैं एक बार, नियरेस्ट 1000 अगर आपको कोई पूछे, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया 7, 2, 5, 3 वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। तो सॉल्व करने से पहले मैं ये चेक करूंगी कि नियरेस्ट 1000 बोला है, यानी नियरेस्ट 1000 कौन सा है, 100 प्लेस। तो 100 पे मुझे अपना ध्यान रखना है, पहले वाली जितनी भी फिगर है ये जीरो हो गई, इसमें आपको ज्यादा टेंशन या सोचने की जरूरत नहीं है, ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब चेक करूंगी मैं 100 प्लेस कौन से ग्रुप में आते हैं, 1 या 2। 2 जो है, 2 की जगह मान लीजिए मैं 3 ले लेती हूँ, या 4, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, तो 3 भी क्या है ग्रुप 1 में आ रहा है, ठीक है। तो ये जीरो कर दिया। अब चेक ये करना है कि 1000 प्लेस में चेंज आएगा या नहीं, अगर ग्रुप 1 में है तो नो चेंज, ये 7 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लेस पर हम जाते हैं, 7, 3, 5। अब 3 की जगह यहाँ पर मैंने मान लीजिए ले लिया 7, और यहाँ पे 3, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है ये नंबर किसके राउंड ऑफ है, तो 1000 हमें 1000 के नियरेस्ट देखना है, 1000 का नियरेस्ट क्या है, 100 प्लेस। तो ये मैंने आपको बताया था जीरो हो गया। अब 7 कौन से ग्रुप में आया, 1 में या 2 में, 2 ग्रुप में, यह ना 7, तो यहाँ पर तो हम जीरो कर देंगे, और 7 में क्या करेंगे, एड 1, ये 8000, यानी 7353, तो 7000 के राउंड ऑफ है, लेकिन 7753 8000 के राउंड ऑफ है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपको 10000 वाला भी बच्चों समझा देती हूँ। देखिए कितना इजी है, 10000 वाला अगर आपको देखना है तो हम किसके नियरेस्ट, हम 1000 के नियरेस्ट, यानी 1000 प्लेस को देखेंगे। देखिए 2, 6, 3, 2, 9 वंस प्लेस 10, 100, 1000, 10000। तो किसका नियरेस्ट, यानी इन्होंने बोला है नियरेस्ट 10000, 10000 के पास वाला नंबर, तो ये 10000 है, इसके पास 6 है, यानी 1000 प्लेस पे आपको ध्यान रखना है। तो ये 0, 0, 0, ये तीनों नंबर हमारे जीरो हो गए। 6 ग्रुप 1 का है या 2 का, 2 का, तो हम इसको भी जीरो कर देंगे, ठीक है। अब हमें 10000 पे ध्यान रखना है, इसमें चेंज आएगा या नहीं। 6 हमारा जीरो हो गया, यानी सेकंड ग्रुप का था, तो इसमें एड 1 होगा, यानी ये 30000 के राउंड ऑफ फिगर है। लेकिन अगर यही नंबर 6 की जगह यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, 2, 9, तब देखिए हम क्या चेंज आता है नहीं, ठीक है। तो अब देखिए ये वंस प्लेस जीरो हो गया, 10 जीरो हो गया, ये भी जीरो। 4 कौन से ग्रुप का है, 1 का, 2 का, 1 ग्रुप का, यानी ये जीरो हो गया, और 10000 में नो चेंज, यानी एड 1 नहीं करना है, सीधे 2 लिखना है। समझ आया? इसी तरह अगर लैक तक का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो लैक का नियरेस्ट 10000 है,
आपको 10,000 वाले नंबर को देखना है वो लेस देन 5 है या लेस देन या मोर देन 5। अगर 5 से छोटी डिजिट है तो नो चेंज, 5 से बड़ी डिजिट है तो प्लस 1 करना है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको दोबारा समझना है या आपको समझ आ रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखिएगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ यू, बाय।